राजधानी भोपाल के अंसल अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों द्वारा धर्मपुरी के झुग्गी वासियों को बेवजह परेशान किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बुधवार को पूर्व पार्षद सबिस्ता आसिफ जक्की के नेतृत्व में धर्मपुरी के लोगों ने दफ्तर का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, पूरे मामले के निराकरण की मांग की। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आसिफ जक्की मौजूद थे। धर्मपुरी झुग्गी वासियों का रास्ता बंद करने और अंसल अपार्टमेंट के रहवासियों द्वारा धर्मपुरी की झुग्गी बस्ती को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं धर्मपुरी के लोगों पर अंसल अपार्टमेंट वालों ने झूठी FIR दर्ज कराई है, जिसको लेकर SDM 12 दफ्तर का घेराव किया गया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मार्च 24 के आईडी लोगों के साथ जो SC ST को बिलोंग करते हैं, सबिस्ता जगी जी वहीं पार्षद और अध्यक्ष आसिफ जगी आए थे, मुझे भी उन्होंने बताया था। SDM साहब को ज्ञापन दिया है, एक तो कोई दीवार उठेगी नहीं वहाँ पर, और दीवार उठी तो हम जा खुद लोग जाकर तोड़ देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी केसेस लगाए हैं इनके खिलाफ, वो सब फर्जी केस हैं, वो वापस लें। SDM साहब से बात की और SDM साहब ने कहा है कि इस पूरे मामले में न्याय होगा, कि हम लोग धर्मपुरी के लिए धर्म की लड़ाई, न्याय की लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं। तो मुझे उम्मीद है केस भी हटेंगे और ये यथावत रहेंगे, इनका कोई रास्ता बंद नहीं होगा, और नहीं तो इससे बड़ा जंगी प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री का निवास नहीं के वही है, वो गिरा जाए। अपार्टमेंट के लोगों से फरियाद निकालना जी, अंसल अपार्टमेंट के सब धर्मपुरी के अंदर जो लोग रहते हैं, रहवासी SC ST के हैं, वो लोग यहाँ पर शिकायत लेकर आए कि आज से 2 दिन पहले पुलिस वालों ने हमारे जूता केस रजिस्टर्ड किया। जब उसकी तहकीकात हुई तो ये पता चला कि अंसल अपार्टमेंट के जो रहवासी हैं वो लोग इनका रास्ता बंद करना चाहते हैं और दीवार उठाना चाहते हैं। तो वहाँ पर पुलिस बुलाई गई और इन लोगों ने पुलिस से बात करने के लिए जब ये अपने घरों से निकल कर आए तो पुलिस ने उल्टा उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर लिया। तो ये बहुत ख़राब बात है कि पुलिस ने ऐसी हरकत करी, और पुलिस वालों के पास आवेदन देने ये महिलाएं गई SC ST की, तो पुलिस ने इनको धुतकार के भगा दिया, बोले कि आपकी FIR हो चुकी है, कुछ नहीं होगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से और SDM साहब के पास भी हम ज्ञापन सौंपने आए थे कि अंसल अपार्टमेंट बहुत बाद में बना था, धर्मपुरी जो है 1982 से ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर, 1942 से पहले रह रहे हैं, 1942 में इनको पट्टे वितरित किए गए थे, जब हमारे 84 के अंदर जब हमारे अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने इनको पट्टे वितरित किए थे तब से ही, और उसके बहुत पहले से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या इनका रास्ता कोई बंद कर सकता है? इनकी दीवार उठाई जाना उचित है क्या? पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को प्लस SDM साहब को हस्तक्षेप करके इस बात की नप्ती भी करना चाहिए कि जो अंसल अपार्टमेंट के अंदर लोगों ने अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं और आज की डेट में वो सब हटाए, बाउंड्री वॉल बना ली, और इनका कोई रास्ता ना रोका जाए, ना ही कोई वहाँ दीवार उठाई जाए, इस बात का हम ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए। SDM साहब ने ये कहा है कि हम यहाँ पर जांच करा लेंगे और हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि क्या वहाँ पर मतलब बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, वो बच्चे कैसे जाएंगे? अगर ये दीवार उठा देंगे तो वो कैसे निकलेंगे और हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? वो अपनी है ना आजीविका के लिए वहाँ से गाड़ी लेकर अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कैसे ये पॉसिबल है? इसलिए ये बहुत गलत उन लोगों ने किया है, और हम ये मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से हस्तक्षेप करे ऊपर वाले अधिकारी और ये केस वापस लिया जाए, जो SC ST के लोगों के ऊपर झूठी FIR की है वो वीडियो के अंदर देखें कि वो पुलिस से बात करने के लिए आए थे, ना कि किसी से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, वो अपनी बात कर रहे थे, बस उनको अधिकार है अपनी बात करने का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।